हेलो सर, मैं हूँ सम्राट, मैं हूँ वेस्ट बंगाल कुचबिहार से। और दोस्तों, आज आपको जो दिखाएंगे डबल बेस का फिटिंग, कौन सा ब्रांड का स्पीकर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, कितना वाट का यूज़ कर रहे हैं, कैसे फिटिंग कर रहे हैं, कैबिनेट का क्वालिटी कैसा है, कैसे परचेज करना होगा, कहाँ से अवेलेबल होगा, मतलब सब कुछ डिटेल आपको देखने को मिलेगा। टेस्टिंग भी आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। और चैनल में नया हो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आपको कैबिनेट दिखाते हैं, कैबिनेट का कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। कैबिनेट जो हम दे रहे हैं आपको, ये हमारा फैक्ट्री का कैबिनेट है। आप देख सकते हैं ये SRX सीरीज का कैबिनेट है, जो कि कार्ब में देखने को मिल जाएगा। और बोर्ड का जो थिकनेस है, MDF बोर्ड है। प्लाई में चाहिए प्लाई में भी हो जाएगा आपका अवेलेबल। तो ये जो बोर्ड आप देख रहे हो, ये MDF बोर्ड है। ये इसका जो थिकनेस है 25 mm है, और इसका जो थिकनेस है आपको 19 mm देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं, ग्लासूल भी लगा लिया हमने, पूरा फिटिंग है। और पेंट का क्वालिटी भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो पेंट है, ये क्रैशलेस पेंट होता है, वाटरप्रूफ पेंट होता है, काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट पेंट होता है। एकदम छोटा छोटा दाना आप देखिए, कुछ इस तरह का पेंट आपको देखने को मिल जाएगा हमारा कैबिनेट का। तो कैबिनेट, और मैं आपको हैंडल का क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। ये है हैंडल का क्वालिटी, जो कि 10 फुटा में देखने को मिल जाएगा। ये देखिए 10 होल देखने को मिलेगा ऊपर, तो काफ़ी हैवी ये हैंडल देखने को मिलेगा हमारे फैक्ट्री में। काफ़ी अच्छा है ये हैंडल। और मैं और भी आपको दिखाता हूँ, बैक प्लेट जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, बैक प्लेट आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये एक बैक प्लेट है हमारे पास, ये भी आपको मिल जाएगा, ये भी चाहिए। और ये भी एक हमारा प्लस बैक प्लेट है, जो कि ये भी चाहिए, ये भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। और मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ, स्पीकर जो हम फिटिंग करेंगे, स्पीकर जो इसके अंदर हम फिटिंग करेंगे एलन की नट बोल्ट से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है एलन की नट बोल्ट, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है एलन की नट बोल्ट, जो कि इस एलन की नट बोल्ट से आपको स्पीकर फिटिंग देखने को मिलेगा। तो स्पीकर जो कौन सा ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं हम, वो भी आपको दिखाते हैं। स्पीकर हम लोग ये ATI Pro का स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपका मॉडल में आपको दिखाता हूँ मैं, और कितना वाट का वो भी आपको दिखाता हूँ। और ये जो स्पीकर है हमारे पास, बहुत टाइम पहले आया था, तो वीडियो नहीं दे पाया रहा था। काफ़ी अच्छा स्पीकर है, और काफ़ी टाइम बाद ये स्पीकर हमारा हाथ में लगा है, तो ये आपको वीडियो आपको देंगे। और काफ़ी अच्छा स्पीकर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है स्पीकर, और पैकेजिंग आप देख सकते हैं, ये है कुछ इस तरह का पैकेजिंग। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्पीकर कौन सा ब्रांड का है। और तो वीडियो ये एकदम कोई कट नहीं होगा ये वीडियो में, और वीडियो आप देखते रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा स्पीकर कुछ इस टाइप का, ये देखिए ATI Pro का ये बैच आपको देखने को मिल जाएगा। और ये रहा हमारा स्पीकर, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का स्पीकर आपको देखने को मिलेगा। डस्ट कैप देखिए, काफ़ी अच्छा तरीके से लगाया गया है ये। और ये आप देख सकते हैं, ये आपका पेपर कोन कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा है ये पेपर कोन। और बैक पीछे भी आपको दिखा देता हूँ कौन सा मॉडल है, कितना वाट का है, आप देखिए कुछ इस तरह का। ये है आपका ATI Pro का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। इसका जो मॉडल नंबर है 18PHL100 आपको देखने को मिलेगा मॉडल नंबर। और RMS पावर आपको 1000 वाट देखने को मिलेगा। सेंसिटिविटी 96.5 dB आपको देखने को मिलेगा। इम्पीडेंस आपको 8 ohm पे देखने को मिलेगा। और ये देख सकते हैं, ये आपको एयर वेंटिलेशन आप इधर से भी देखने को मिलेगा, और साइड से भी आपको एयर वेंटिलेशन देखने को मिल जाएगा। और ये टर्मिनल सॉकेट आपको इस तरह का देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है टर्मिनल सॉकेट। और ये ATI Pro का आप देख सकते हैं सील आपको देखने को मिलेगा, और काफ़ी अच्छा है ये स्पीकर। मैं पहले भी टेस्ट किया है, तो वीडियो नहीं हो रहा पर तो आज मैं आपको वीडियो देख के बता देता हूँ। और स्पीकर मतलब पूरा कैबिनेट के साथ कैसा प्राइस में आ रहा है, वो भी आपको बता दूंगा, तो वीडियो का देखते रहिए आप। और स्पाइडर जो कि स्पाइडर भी आपको दिखा देता हूँ, स्पाइडर कौन सा है। तो आप देख सकते हैं, ये आपको स्पाइडर देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह का, और स्पाइडर आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा स्पाइडर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये पेपर कोन कुछ इस तरह का। तो चलिए कैबिनेट को फिट करते हैं स्पीकर में। अरे कहना क्या चाहते हो, फिट करके आपको दिखाते हैं और कैसे फिट करना होगा, वायर का वायर कैसे फिटिंग होता है वो। तो ये रहा हमारा एलन की नट बोल्ट, जो कि कुछ इस तरह का फिटिंग होगा। ये जो आप देख रहे हो, ये आपका वुड में लग जाएगा कुछ इस तरह का, ऊपर से टाइट आएगा तो ये नीचे से कस लेगा इधर ऐसे। तो हमने तो ये लगा लिया है, ये तो हमने लगा लिया है इसे। तो हम अब क्या करेंगे, इस साइड हैंडल से ये ऐसे, ये हैंडल से आपको ये इधर हो जाएगा ऐसे कुछ इस तरह का, हम इधर से लगा लेंगे और ऊपर से डील उपेस्ट होगा।
तो दोस्तों हमने पूरा सेटअप लगा लिया है, अभी टेस्टिंग देखते हैं, टेस्टिंग कैसा परफॉर्मेंस करते हैं स्पीकर। जरूर कमेंट में बताएगा, आशा करता हूँ टेस्टिंग को पसंद आई होगी। और ये जो स्पीकर है आप देख सकते हैं, ये कंपनी दावा करता है 25% एक्स्ट्रा लाउडनेस आपको देखने को मिलेगा स्पीकर में, जो कि इसका आपका आरएस पावर जो आपको देखने मिलेगा 1000 वाट और मैक्स पर आपको 2000 वाट देखने को मिलेगा। और ये जो स्पीकर है काफ़ी मतलब दिन से कोशिश था हमारा ये स्पीकर आपको दिखाएंगे, तो फाइनली आज मिल गया है, तो काफ़ी अच्छा टेस्टिंग था। अब आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। और ये जो सामान है हमारा पास नहीं जा रहा है, जो कि अलीपुर द्वार हमारे पास नहीं जा रहा है, तो कस्टमर के साथ और कैसे आपको परचेस करना, मतलब इसका प्राइस क्या है वो भी आप एक काम करिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ दे दूंगा, आप देख लीजिएगा प्राइस कैसा है कौन सा, और ये कैसे परचेस करना होगा, मतलब स्क्रीन में जो नंबर आपको शो हो रहा है इसमें आप व्हाट्सएप करिएगा, आपको डिटेल्स भेज दिया जाएगा कैसे आपको परचेस करना होगा। और प्राइस डिटेल्स आप नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। और ये जो सेट मतलब पूरा सेटअप है ये जा रहा है हमारा पास में अलीपुर द्वार में। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही हमारा चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।